Shri Radha Raman Hari Govind Jai Jai. Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Om Namo Bhagavate Purana Purushottamaya. Om Jayati Parashat Sunu. Satyavati Hridaye Nandano Vyaso Yasyasya Kamal Gantam. Vagnaya mamrutam jagat pivati vishwasarvip sargadi navlakshan lakshatam shri kushnaksham paramdham jagadham namamitat hurdiyasya prenaneya pravartito hambarat rupopi tasya hareh padkamalam vande shri chaitanya devasyo anarpit charim charat karunaya vativnakkalau samarpayatumunnatu jvalarasam sabdishriyam Haripurt Sundar Dithika Dambu Sandipita Sara Hurday Kandare Spurato Shachinandana Agyan iti Mirandhasi Gyananyan Shalakaya Chakshurun Militam Yeno Tasmai Shri Gurve Namah Dibyat Brindaranya Kalpadrumadha Shrimad Ratnagara Ratnas Mahasanastav Shrimad Radha Shri Lugovinda Devo Prishthali Vissevya Manu Smarami Shriman Ras Rasaram hi Banshi Vattatastita Karshan Venu Sonai Gopi Gopi Nath Shriyostuna Narayanam Namaskriti Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Chambire Vanchakalpatarubhyascha Karapa Sindhubhya Evucha Pattanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah He Shri Sanatana Prabho Karunam Murashe हे रूप दुर्गत जनैक दयावो लोको हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांदरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्री ब्रह्मभागवतामृत दूसरे अध्याय का 141वां श्लोक पूर्व प्रसंग में श्री गोप कुमार अपने जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए यह निरूपण कराए कि मैं जब ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गया पहले तपलोक में थे तपलोक से सत्य लोक में पहुंच गए और वहां पर श्री शास्त्र शिक्षा भगवान को ब्रह्मा का अपूर्व से लालन पालन करते हुए देख करके लाल करते हुए देख करके और श्री लक्ष्मी जी की अपूर्व कृपा लक्ष्मी जी की कृपा से नारायण की कृपा इनको मिल रही है और लक्ष्मी जी अपने पुत्र की तरह से जैसे पालन कर रही हैं मेरा भी गोप कुमार का भी वहां पर पहुंच करके तो जब दर्शन किया श्री तत्व की कृपा के द्वारा नारायण की कृपा उसका अपूर्व जब दर्शन किया है तो अभिलाषा ही उत्पन्न हो रही है कि जगदीशात विधाते लालनश्चेत अभिप्सतः कि जैसे जगदीश श्री ब्रह्मा का लालन पालन करते हैं इसी प्रकार मैं भी यदि मेरे अपने मंत्र को मैं करता रहूंगा तो मंत्र की शक्ति से ये मुझे भी प्राप्त हो जाएगा ये उन्होंने अभिलाषा की अब वहां पर मैंने क्या देखा कि निद्रा लीला प्रभु भेजे श्री प्रभु निद्रा लीला का आचरण कर रहे हैं लीला कहने का तात्पर्य है कि जगत की पालन करने की अभिलाषा को नारायण ने स्थगित कर दिया जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा से मिलने के लिए रात को 10:30 बजे पर 11 बजे पर पहुंचे तो द्वारपाल ये कह देगा बोले महाराज इस समय सो रहे हैं जबकि 9:30 बजे पर 10 बजे पर महाराज सो ही नहीं थे अभी महाराज अभी जग रहे हैं परंतु सेवक के द्वारा ये कह दिया जाता है महाराज सो रहे हैं इसका मतलब है कि महाराज अब बाहर के कार्यों को नहीं देखेंगे वे इस समय मनोरंजन कर रहे हैं इस समय भोजन कर रहे हैं
इस समय कहीं अपने बालकों के साथ में, अपने परिवार के साथ में वार्तालाप करते हुए विराजमान हैं, सब मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, परंतु जगत के लिए कह दिया जाता है सो रहे हैं। ऐसे ही निद्रा लीला, भगवान भी निद्रा लीला को इस समय सेवन कर रहे हैं, निद्रा लीला कर रहे हैं। उस समय लोक पद्मे से नाभिजे, भगवान के नाभि से निकलने वाला जो लोक पद्म था, उस लोक पद्म में सृष्टि रीति विधिर भिक्षो स्वकृति आय अभवत बही, सृष्टि की रीति उसको देखा कि वो नाभि कमल जो है, वो नाभि कमल उस समय भगवान के नाभि में ही भीतर घुस गया है। फिर सृष्टि रीति विधिर भिक्षो, भगवान जब नाभि कमल निकलेगा तब उसमें मैं सृष्टि करूंगा, इस बात को देख करके स्वकृति आए अभवत बही, ब्रह्मा भी सो गए। जब सृष्टि निकलने का, सृष्टि होने का समय आया, उस समय वो नाभि पद्म निकला। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कमल ही भगवान की नाभि में चला जाता है, कभी केवल तीन लोग जाते हैं। ब्रह्मा जब सोते हैं, भगवान जब सोते हैं, उस समय केवल भू भवस्व तीन लोग जाते हैं, कभी कभी महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ये चार लोग भी चले जाते हैं, ब्रह्मा से ही चले जाते हैं। जहां प्राय तीन लोग जाते हैं, जब तीन लोग जाते हैं तो उस समय भृगु आदि ऋषि जो महलोक में निवास कर रहे हैं, वे ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं कि महाराज हमको ये तीन लोग जो है इनको भी आप प्रकट कीजिए। तो उस समय तीनों लोग प्रकट होते हैं। तो निद्रा लीला प्रभु भेजे, प्रभु ने निद्रा लीला को प्राप्त किया और लोक पद्मस्य नाभिजे सृष्टि रीतिम विधिर भिक्षो, ब्रह्मा उस समय नाभि में से उत्पन्न होने वाले कमल में ही विराजमान है। सृष्टि की रीति को देख करके स्वकृत्याय अभवत भवि, अपना कर्म करने के लिए ब्रह्मा भी उस समय बाहर निकल करके आए। कभी भीतर घुस गया था वो कमल बाहर निकला, तो स्वकृत्याय अभवत भवि, अपने कर्म करने के लिए मन सृष्टि कर्म करने के लिए फिर ब्रह्मा भगवान की नाभि से दोबारा भी बाहर निकले। पश्चिम प्रभो रूप मधु महाद्भुतम, उस समय भगवान के अद्भुत रूप का ब्रह्मा ने दर्शन किया और तन्नाव पद में युगपत तथा जगत, भगवान के नाव कमल में ही ब्रह्मा ने अपने आप को भी देखा और जगत को भी भीतर घुसा हुआ देखा और उससे ही बाहर निकलता हुआ देखा। तो तन्नाव नाव पद्दे युगपत में एक साथ अपने आप को जगत को देखा, गुणोपदेश श्रवणा, और उस समय श्री भगवान ने गुण उपदेश दिया ब्रह्मा को चतुष्णों के रूप में। नए कल्प जब हुआ तब चतुष्णों के रूप में श्रीमद् भागवत का उपदेश प्रदान किया। तो गुण उपदेश श्रवण, चार श्लोकों में गुण उपदेश प्रदान किया। पहले प्रतिज्ञा की कि ब्रह्मा ज्ञानम परम गुह्यमे विज्ञान समन्वितम सहरहस्यम तदंगम च ग्रहण गतम, तू अपने आप नहीं समझता सकेगा, गदितम मया मेरे द्वारा कहे गए परम गूढ़ ज्ञान, फिर विज्ञान और रहस्य, इन तीन चीजों को मैं तुझे बता रहा हूं, ज्ञान विज्ञान और रहस्य। अब ज्ञान तत्व क्या है उसको एक श्लोक में भगवान ने कहा कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यते सत्सत् परम पश्चाद हम यतश्चेदम युव शिष्यत सुस्म्यम, कि अहमेव आसम अग्रे, जब सृष्टि नहीं थी उस समय मैं ही पहले था, अमेव आसम अग्रे नान्यत यत सत्सच्च यत, मैं अन्य वस्तु उस समय नहीं थी, सत असत्य यत जो कुछ भी तुझे सत माने कार्य रूप में दिख रहा है और असत माने कारण रूप में दिख रहा है, उस सबके पहले मैं ही विद्यमान था। और अहम शब्द के द्वारा भगवान अपनी तर्जनी उंगली को छाती से लगाते हुए कह रहे हैं कि अहम एव, मेरे जिस रूप का तू दर्शन कर रहा है,
ये रूप ही ज्ञान तत्व है और अहम एव आसम अग्रे, मैं ही ये पूरा मेरा ब्रह्मांड, मेरा वैकुंठ धाम, मेरी श्री लक्ष्मी जी, मेरे सारे पार्षद, मेरी सारे अवतार, ये सब के सब पहले से ही विद्यमान थे, नित्य थे। अहम अहम अहम, इस श्लोक में तीन बार अहम शब्द का प्रयोग किया गया है। मानो त्रवाचा भर के भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये जो स्वरूप है, अहमेव आसमग्रे पश्चात अहम यो अवशिष्यत सोस में हम, अहम अहम अहम, ये तीन बार अहम शब्द का प्रयोग करके कहा कि मैं ही मूल तत्व होकर के विराजमान हूं। अहमेव समेवाग्रे नान्यत, अन्य मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, सारी वस्तुएं मेरे ही शक्तियों के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुई हैं। सत असत्य यत, जो कुछ भी सत माने कार्य रूप में तुझे दिख रहा है और असत माने कारण रूप में दिख रहा है, वो सारा कार्य कारण मैं ही हूं। पश्चात अहम, जब सृष्टि नहीं रहेगी उस समय भी मैं हूं। यतश्च इदम, मुझसे ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। जो अवशिष्यत सोच में हम, जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार तीन बार अहम शब्द का प्रयोग करके सृष्टि के आदि अंत और मध्य तीनों स्थितियों में मैं ही सर्वदा विराजमान हूं। मैं स्वयं सिद्ध अविनाशी पदार्थ होकर के, कूटस्थ अविनाशी होकर के मैं विराजमान हूं। ये ज्ञान तत्व हुआ। ज्ञान तत्व का मतलब है एक पदार्थ से अनेक पदार्थों की उत्पत्ति और सब पदार्थ में एक ही पदार्थ की व्याप्ति, इसका नाम है ज्ञान। एक से अनेक और अनेक में एक, इसका नाम है ज्ञान। अब दूसरे श्लोक में विज्ञान तत्व का निरूपण कर रहे हैं कि हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। बिल्कुल संक्षेप में माने ये चतुश्लोकी जो है उसके तात्पर्य को, हृदय अर्थम मेरी ही शक्ति मुझसे अभिन्न है। अब मेरी जो शक्ति है उनके शक्तियों से जो विस्तार है, अनुभव जन्य जो ज्ञान, उसका नाम विज्ञान। शक्तियों के द्वारा मेरे उस ज्ञान तत्व का अनुभव होता है। अब शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, मेरी शक्ति तीन है, बहिरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति और इन दोनों के बीच में तटस्था शक्ति। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले बहिरंगा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं कि हृदय अर्थम यत् प्रतीयेतो, यत् माने ये माया, तब प्रतीत होती है सत्य जबकि अर्थ माने मैं नहीं दिखता हूं। हृदय अर्थम, अर्थ पदार्थ मैं उनके मेरे बिना, यत् प्रतीयेतो, यत् माने ये सारा संसार प्रतीत होता है। न प्रतीयेत चात्मनि, जब मैं होता हूं तब न प्रतीयेतो, मेरे प्रतीत होने पर जगत इसकी प्रतीति नहीं होती है और जगत के सुख दुख उनका अनुभव जीव को नहीं होता है। मायिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है स्वरूप का अनुभव हो जाने पर। तो अर्थ माने श्री कृष्ण, अर्थ माने श्री कृष्ण, तो हृदय अर्थ माने कृष्ण जब नहीं दिख रहे हैं तब यत् प्रतीयेत, ये सारा संसार दिखता है। और न प्रतीयेत चात्मनि, आत्मा माने श्री कृष्ण, उनके प्रतीत होने पर फिर ये जगत के सुख दुख यह प्रतीत नहीं होते हैं। तद विद्यादात्मनो मायाम, ये जो माया है ये भी भिन्न नहीं है। आत्मना माने मेरी ही माया है, आत्मना माने मेरी माया है। तद विद्या आत्मनो मायाम, माया स्वतंत्र नहीं है, ये आत्मना माने मेरी माया है। यथा आभास यथा तम, ये माया कभी आभास के रूप में और कभी तम के रूप में दिखती है। तम का तात्पर्य है कि यह कहीं सृष्टि के रूप में दिखती है और आभास का तात्पर्य है यह कहीं भ्रम के रूप में भी दिखती है। यथा आभास यथा तम, तम माने त्रिगुण, उन त्रिगुण के रूप में भी माया दिखती है और आभास माने कभी भ्रम के रूप में भी दिखती है। आभास और तम कहकर के माया के दो रूपों का दर्शन कराया।
एक जीव माया एक गुण माया, तम कहकर के गुण माया का दर्शन कराया कि तमोगुण उसमें कुछ वस्तु दिखेगी नहीं, रजोगुण में सृष्टि होगी, सत्वगुण के द्वारा स्थिति होगी। तो यथा तमः, तमः का तात्पर्य हुआ कि त्रिगुणात्मिका प्रधान या प्रकृति के द्वारा मैं जगत को उत्पन्न करता हूं। अब रहा आभास, आभास का तात्पर्य है कि तम से तो ये उत्पन्न हुई, परंतु आभास रूप में ये जो माया है, जगत जो कुछ भी दिख रहा है, ये आभास रूप में निरंतर निरंतर परिवर्तनशील होकर के दिख रहा है, निरंतर परिवर्तनशील होगा। अर्थात जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इन छह अवस्थाओं में प्रत्येक क्षण यह बदल रहा है। तो आभास माने परिवर्तनशील, तब माने ये त्रिगुणात्मक है, स्वरूप शक्ति तो है इसकी त्रिगुणात्मक, और इसका तटस्थ लक्षण है आभास। ये प्रधान माया का निरूपण किया। अब जो मोहित करने वाली माया है, अज्ञान रूपा माया, उस अज्ञान रूपा माया का भी इसी श्लोक में वर्णन करते हैं। ये माया तत्व का निरूपण किया जा रहा है। तो हृदय अर्थम यत् तृतीय, तो जो अज्ञान रूपा माया है वह हृदय अर्थम यत् तृतीय, तो जब भगवान को नहीं जाना गया है तब तो जीव को अज्ञान रूपी माया आएगी, और न प्रत्येक चात्मनी, वह अपने आप में वो माया जब भगवान का दर्शन कर लिया गया तो यह अज्ञान दूर हो जाएगा। माया के दो स्वरूप हैं, एक माया का स्वरूप है प्रधान, दूसरा माया का स्वरूप है अज्ञान। प्रधान का वर्णन कर दिया, प्रधान के द्वारा तो जगत उत्पन्न होगा, और जगत भी निरंतर निरंतर आभास और तम के रूप में परिणत है। आभास का मतलब है सृष्टि, और तम के और सृष्टि में जायते अस्ति ये छह भाव विकार जो है उनको प्राप्त करेगा। तम का तात्पर्य है कि साम्य अवस्था में भी वो माया कहीं शांत होकर के रहेगी। तो आभास रूप माया पूरी हुई, अब दूसरी माया को ग्रहण कर रहे हैं अज्ञान रूप माया। वो अज्ञान रूप जो माया है, अज्ञान किसका नाम, कि जगत को या शरीर को अपना स्वरूप समझ लेना, यह अज्ञान है। इस अज्ञान रूप माया का वर्णन कर रहे हैं कि ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, अर्थ माने श्री कृष्ण जब तक नहीं दिख रहे हैं तब तक अज्ञान की जीव में स्थिति रहेगी, भगवान के दिखने पर अज्ञान की स्थिति समाप्त हो जाएगी, अर्थात देहाध्यास मन अध्यास इनकी समाप्ति हो जाएगी। यद माने देहाध्यास और मन अध्यास, यह हृदय अर्थम श्री कृष्ण के बिना ही प्रतीत हो, प्रतीत हो रहे हैं। न प्रत्येक चात्मने, आत्म पदार्थ श्री कृष्ण के दिखने पर देहाध्यास भी नहीं रहेगा, मन अध्यास भी नहीं रहेगा। पहले होता है मन अध्यास, फिर मन अध्यास के बाद में होता है देहाध्यास। पहले मैं मन हूं यह अज्ञान होगा जीव में, फिर मैं देह हूं, मन ने जिस देह में प्रवेश किया वही मैं हूं, ये अनुभूति होगी। तो वो देहाध्यास और मनध्यास ये दोनों भी उस समय प्रतीत नहीं होंगे। तो आत्मनि माने कृष्ण के आने पर न प्रतीयेत, देहाध्यास और मनध्यास इन दोनों की प्रवृत्ति नहीं होगी। तद विद्या आत्मनो माया, ये माया भी भगवान की ही माया शक्ति की एक स्थिति है, भगवान की ही एक शक्ति है माया। उस माया के कारण ये देहाध्यास मनध्यास हो रहे हैं। ये कैसा है, यथा आभास है यथा तम। सबसे पहले तम माने आवरण हुआ, और फिर आभास माने विक्षेप प्राप्त हुआ। जैसे एक जादूगर अपने हाथ से लोहे का कड़ा उतारता है और आकाश में उछालता है, और तप्तदेशी उसके हाथ के ऊपर एक सोने का सिक्का जैसे वो दिखा देता है, एक जादू दिखा रहा है वो, तो उसने दो काम किए। एक काम तो ये किया है कि उसने लोहे के सिक्के के रूप को छुपाया, और दूसरा काम ये किया है कि लोहे के सिक्के में उसने सोने के सिक्के की भ्रांति करा दी।
इसी प्रकार भगवान की जो विमोहात्मिका माया है, गुण माया नहीं बल्कि जीव माया, विमोहात्मिका जो माया है, उसने भी दो काम किए, जीव के अपने सच्चित आनंद रूप को छुपाया और मैं मन हूं, मैं देह हूं यह भ्रम पैदा कर दिया। तो छिपाया इसका मतलब हुआ तम, और आभास बने मैं देह हूं मन हूं यह उसने भ्रम पैदा कर दिया। तो जगत भी सत्य है, देह भी सत्य, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, परंतु जगत और जीव का जो संबंध है वह संबंध असत होकर के विराजमान। आकाश भी सत्य है, कुसुम भी सत्य है, परंतु आकाश कुसुम को जो जोड़ लिया गया वह संबंध असत्य होकर के विराजमान है। और वो जोड़ना जो है वो कैसे हुआ है, कहीं तम के द्वारा जीव के स्वरूप का आवरण हुआ है और आभास के द्वारा मैं देह हूं मैं मन हूं यह अभिमान उत्पन्न हो गया है, यह इल्यूजन उत्पन्न हो गया है, यथाभास यथा तम। तो ये दोनों प्रकार की माया का निरूपण किया। अब इसी स्वरूप के द्वारा एक तीसरी माया का निरूपण कर रहे हैं, वो तीसरी माया है श्री योग माया या भगवत भक्ति। ऋष धातु जो है वो ज्ञान के अर्थ में है, रते माने ज्ञान होने पर, अर्थम यत प्रतीयेत, अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थ माने कृष्ण की प्रतीति होती है। रते अर्थम, रते माने ज्ञान होने पर, अर्थम प्रतीयेत, अर्थ माने श्री कृष्ण उनकी प्रतीति होती है। भक्ति नहीं है तो भगवान की प्रतीति नहीं होगी। तो माया दो प्रकार की हुई, एक माया हुई त्रिगुणात्मिका माया और दूसरी हुई कृपारूपी माया। अब उस कृपारूपी माया का वर्णन कर रहे हैं कि रिते माने उस कृपा माया के द्वारा ही, रिते माने ज्ञान होने पर, यत माने श्री कृष्ण उनकी प्रतीति होती है। बिना भक्ति के भगवान की प्रतीति नहीं होती है। भक्ते रेवैनम नयति, भक्ते रेवैनम दर्शयति, भक्तवश पुरुषा भक्त्या विद्या ग्राह्या, भक्ति के द्वारा ही भगवान एकमात्र प्राप्त होते हैं। तो रिते अर्थम, रिते माने ज्ञाते, अर्थम माने जब ज्ञान हो जाएगा तब अर्थम प्रतीयेत, जो अर्थ पदार्थ श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति के द्वारा प्रतीति होगी। भक्त पर अर्थ कर रहे हैं माया का, माया का विमोहात्मक अर्थ नहीं है, विमोहात्मक अर्थ दोनों प्रकार से पहले कराए, गुण माया के द्वारा जगत की सृष्टि हुई और जीव माया के द्वारा जीव को विमोह हुआ। अब जो भक्ति रूपी माया है उसके द्वारा दिखा रहे हैं कि हृदय माने ज्ञान हो जाने पर अर्थम प्रतीये, तो अर्थ माने श्री कृष्ण उनकी प्रतीति होती है। न प्रतीये चात्मनि, अन्यथा भक्ति नहीं है तो आत्मनि माने जीव में भगवान की प्रतीति नहीं होगी, जीव भगवत स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा। न प्रतीये तो आत्मनि, आत्मनि माने जीव अपने आप भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, उनकी कृपा के द्वारा ही उनके ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब विद्या दात्मनो माया, वो भक्ति मेरी ही स्वरूप है, मेरी माया है, वो भक्ति यथाभास यथा तम, वो भक्ति ही आभास और तम रूप है। आभास का तात्पर्य है कि कभी भगवान का प्राकट्य कर देने वाली और कभी तम माने वियोग प्राप्त कराने वाली। उस भक्ति के दो स्वरूप हैं, कभी आभास माने भगवत स्वरूप का साक्षात दर्शन कराएगी और कभी तम माने उनका अंतर्ध्यान करा करके विरह, तो मिलन विरहात्मक स्वरूप होकर के, आभास और तमात्मक स्वरूप होकर के वह माया भगवान की कृपा शक्ति माया उस अर्थ को माने श्री कृष्ण को प्रकट कराती है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा परिपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जगत की जो सृष्टि की जा रही है उसके यद्यपि अभिन्न निमित्तोपादान भगवान है, परंतु भगवान जगत के स्वरूप के द्वारा सृष्टि नहीं करते हैं, माया के द्वारा ही सृष्टि करते हैं।
जैसे नौमस करने में एक चरित्र आया कि काकुत्नी एक राजा थे इंद्रवाह, उन इंद्रवाह राजा ने से इंद्र ने कहा कि हमको असुरों के साथ में युद्ध करना है, आप हमारी सहायता करो। उन काकुत्न ने इंद्र महाराजा ने इंद्र से कहा ठीक है हम तुम्हारी तरफ से युद्ध करेंगे, पर हमारी एक शर्त है, इंद्र यदि हमारा वाहन बने तो उसके ऊपर बैठ करके उसको अपना वाहन बना करके हम युद्ध करेंगे। और इंद्र उस समय इंद्रो माया में पुरुपी, तो इसी को वेद में भी वर्णन किया गया, इंद्र उस समय बैल बना और बैल के कुकुट के ऊपर, वो कुब्ब जो है उस कुब्ब के ऊपर बैठ करके श्री इंद्रवाह राजा ने उस समय युद्ध किया और दैत्यों को पराजित किया। अब यहां पर एक बात कही गई कि इंद्र के द्वारा बैल बनना, तत्वतः इंद्र बैल नहीं बना, इंद्र माया के द्वारा बैल बना, इंद्र जो है वो माया के द्वारा बैल बना। तो माया के द्वारा इंद्र का जो बैल बनना है उसका तात्पर्य है कि इंद्र वहां पर उस समय ये थोड़ी था इंद्र का सिंहासन खाली हो गया, इंद्र एक स्वरूप से अपने सिंहासन पर रहा और अपनी एक शक्ति इंद्र की माया बन गई। ऐसे ही ठाकुर ही जगत के रूप में परिणत हुए, इसका तात्पर्य स्वरूप परिणत नहीं हुआ, ठाकुर की माया वह जगत के रूप में परिणत हुई। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, ठाकुर ही जगत बन गए तो महागड़बड़ हो जाएगी, तो ठाकुर भिखारी हो गया, ठाकुर में भिखार आ गया, ब्रह्म जो है वो स्वीकार हो गया। इसलिए ब्रह्म स्वयं जगत के रूप में परिणत नहीं होता है। वैष्णवों का जो सिद्धांत है वो ज्ञानी तो ये कह देंगे कि ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो गया या जगत के रूप में भ्रमित होकर के दिखने लगा, परंतु भक्ति ये कहेंगे कि नहीं, ब्रह्म जगत नहीं बना बल्कि ब्रह्म ने अपनी माया के द्वारा जगत की रचना की, परंतु कहलाएगा ये कि ब्रह्म जगत बना। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, परंतु शाहजहां कभी भी पराग छेनी हथौड़ी लेकर के पत्थरों को कांचने के लिए नहीं बैठा था, उसमें खुदाई करने के लिए नहीं बैठा, किया होगा नौकरों ने, परंतु कहा जाएगा कि ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां, ये कहा जाएगा ताजमहल शाहजहां ने बनाया, परंतु शाहजहां ने कभी नहीं बनाया, नौकरों ने बनाया। ऐसे ही भगवान ने कभी भी जगत को नहीं बनाया, भगवान अपने आप को जगत के रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं, भगवान की माया शक्ति ही जगत को बना रही है। इसलिए जगत के दोष भगवान तक नहीं पहुंचे। सेठ जी तो अपने एसी रूम में बैठे हुए थे, नौकर पोताई कर रहा था, जो छींटा लगा वो नौकर को लगा, इसलिए माया के दोष माया में रह गए, माया के दोष भगवान में नहीं पहुंचे। तो न प्रतीयत चात्मनि, भगवान के बिना जगत की प्रतीति हो रही है, और यथा भाषण यथा तम, तम के द्वारा उन्होंने प्रलय किया, आवास के द्वारा उन्होंने सृष्टि की और वे जगत की रचना करते हुए विराजमान हुए। आवास और तम, आवास का तात्पर्य, तम का तात्पर्य है वे कहीं उपादान कारण बनकर के विराजमान हुए, और आवास का तात्पर्य है कि वे निमित्त कारण बन करके भी, माया को निमित्त कारण बना करके भी उन्होंने जगत की सृष्टि की। अब ये ज्ञानम और विज्ञानम दोनों की बात हो गई, भक्ति के द्वारा भगवान का आभास और तम माने संयोग और वियोग होगा, माया शक्ति के द्वारा तम माने प्रलय और आभास माने सृष्टि होगी, माया शक्ति ही जगत की उपादान और निमित्त कारण है, परंतु मुख्य उपादान और निमित्त कारण ये भगवान है। तो श्री भगवान जगत के मूल उपादान और निमित्त कारण, निमित्त कारण भी भगवान साक्षात नहीं बनते हैं, निमित्त कारण बनाने में भी बीच में कर्म को रख देते हैं, कर्म के द्वारा हमको देह मिले, तो कर्म है निमित्त कारण, और पंच महाभूत सत्व रजस्तम ये तीन गुण हैं, कहीं
उपादान कारण, परंतु कर्म भी स्वतंत्र नहीं है, है तो भगवान की ही एक शक्ति। ऐसी स्थिति में कहा यह जाएगा कि जो सेवक के कार्य हैं वो भगवान के ही कार्य कहलाएंगे, इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान श्री प्रभु हैं ये कह दिया गया। अब ज्ञान विज्ञान ये दोनों की बात, अब राशि की बात कह रहे हैं कि यथा महांत भूतानि भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतेषु हम, कि मैं राशि रूप में प्रेम हूं। राशि क्या है? प्रेमा भक्ति राश्यम, प्रेमा भक्ति ही है राश्य। तो तीसरे श्लोक में राश्य का श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया। वो प्रेमा भक्ति क्या है उसका ही वर्णन श्री चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में तीसरे श्लोक में किया गया कि यथा महांत भूतानि, जैसे पंच महाभूत सबके भीतर भी विद्यमान है और सबसे अलग भी दिखते हैं। आकाश हमारे भीतर भी है, आकाश दिख भी रहा है, जल हमारे भीतर भी है, समुद्र के रूप में भी दिख रहा है, वायु हमारे भीतर भी है परंतु अलग से चलती हुई भी हाथ पैर में मुख पर लगती है, तो वायु अलग से। ऐसे ही पृथ्वी जल वायु तेज सूर्य चंद्र अलग से भी दिख रहे हैं, हमें भी विद्यमान है, अग्नि हमें भी विद्यमान है। तो पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये पृथक भी दिख रहे हैं, अलग भीतर भी दिख रहे हैं। ऐसे ही भगवान प्रेम के रूप में तो हमारे हृदय में विराजमान है और प्रेमास्पद के रूप में भगवान साक्षात भी विराजमान है। तो यथा महांत भूतानि, जैसे पंच महाभूत महान भूत पंच महाभूत भूतेषु मन जीवों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। यथा महांत भूतानि भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वसु, उच्च माने देवता के भीतर भी वही पंच महाभूत हैं और अवच माने एक चींटी के भीतर भी वही पंच महाभूत हैं। उनका देह भी पंच महाभूत से बना है, हमारा देह भी पंच महाभूत से बना है। तो भूतेषु उच्चावचेषु, उच्च माने देवता, अवच माने किसी वृक्ष, उनके रूप में भी वही पंच महाभूत हैं। तो यथा महान भूतानि और अप्रविष्टानि, सबके भीतर भी प्रवेश होकर के विराजमान है और सबसे अलग होकर के विराजमान है। तथा तेषु नतेषु अहम्, इसी प्रकार जिन्होंने मुझे प्रणाम किया उन प्रणाम करने वालों के भीतर भी मैं प्रेम के रूप में विराजमान हूं और उनके सामने कहीं उपास्य रूप में भी मैं सामने हूं। तथा तेषु मन उन भक्तों में, नतेषु मन जो मुझ में प्रण